नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। पुलिस लगातार मोटरसाइकिल से मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवा रही है, उनको यातायात ऑफिस में रख रही है। जब पर्याप्त मात्रा में हो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके ऊपर रोड रोलर चलाकर लोगों को ये संकेत देती है कि आप मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाएंगे तो हम आपकी मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकलवाएंगे, उनको इस तरीके से नष्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने में नज़र आया रीवा के यातायात दफ्तर के सामने, जहां पर लगभग 100 से ज़्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवा कर सड़क पर रखवाए गए। एक रोड रोलर को बुलाया गया, रोड रोलर ने उन सारे मॉडिफाइड साइलेंसर को कुचल दिया। साफ तौर से पूरे के पूरे साइलेंसर बुरी तरीके से खत्म हो गए। ये सारे साइलेंसर तेज आवाज वाले साइलेंसर थे, जिन्हें आजकल के लड़के अपनी मोटरसाइकिल में लगाते हैं और उसके बाद तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाकर लोगों को डराने का काम करते हैं। इन मॉडिफाइड साइलेंसर की वजह से कई बार देखा गया है दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पुलिस लगातार इन मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करती है। अब पुलिस उन दुकानदारों पर भी नज़र बना रही है जो मॉडिफाइड साइलेंसर बेचा करते थे। इस मामले में यातायात DSP का साफ तौर से कहना है, अब हम दुकानदारों की लिस्ट बनवा रहे हैं, निश्चित रूप से अब हम उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। हम नहीं चाहते रीवा शहर में किसी भी टू व्हीलर गाड़ी में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हो। हमारी पूरी टीम लगातार इस तरीके का काम कर रही है, दुकानदारों की लिस्ट बनाई जा रही है, दुकानदारों पर भी एक बड़ी कार्रवाई होगी। हम मॉडिफाइड वाली गाड़ियों के साइलेंसर तो निकलवा ही रहे हैं, हम पूरी तरीके से रीवा में मॉडिफाइड साइलेंसरों की गाड़ियों को खत्म कर देंगे। सुनिए DSP मनोज शर्मा ने क्या कुछ कहा मॉडिफाइड साइलेंसरों को नष्ट करवाने के बाद। ये फिलहाल 110 साइलेंसर थे, इसके पहले भी नष्टीकरण हो चुका है। ये ध्वनि प्रदूषण के तहत हम लोगों ने जब्त किए थे, जो बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं उनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लोगों ने लगा रखे थे। जो कंपनी से आता है उसको निकाल देते हैं, और कंपनी वाले में साउंड नहीं होता ज़्यादा, ये उन्होंने मॉडिफाइड इसलिए कर रखा था कि इससे तेज कर्कश आवाज़ निकलती है, उससे लोगों को परेशानी होती है और वो इल्लीगल भी। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनकी विरुद्ध कार्रवाई करने के बाद जब्ती की गई थी, उन्हीं को आज नष्ट किया गया। ऐसे लोग जो अभी भी इस तरह का काम कर रहे हैं, अभी भी कई गाड़ियां अभी भी शहर में चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे सूबेदार साहबान कार्रवाई करते हैं और गाड़ी में से साइलेंसर ऑन द स्पॉट वहीं निकाल भी लेते हैं। सर, दुकान संचालक जो है उस तरह की चीज़ें बेचते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? 4-5 महीने पहले कार्रवाई हुई थी, सिविल लाइन थाने के माध्यम से हमने कार्रवाई करवाई थी। ऐसे दुकानदारों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं फिर से और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।